बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है, हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता, इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मेरी आत्मा पीड़ित है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं, और इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। मैंने अपनी जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है, मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। मेरे को कई लोग कहते हैं कैसा आदमी है यार तू, 10 साल राजनीति करी, 10 साल सीएम रह गया, 10 साल में तो 10 कोठियां बन जाती, 10 घर बन जाते, 10 प्लॉट बन जाते। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा, मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्र शुरू होंगे मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा, और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। एक और बात रखना चाहता हूं, मैं प्रश्न के रूप में नहीं है। आज हमारे देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। जिनके पास पैसा है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज देते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है वो मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। 75 साल के अंदर सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया हर सरकार ने इस देश के अंदर, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है कि ऊपर वाले ने इस देश को एक मनीष सिसोदिया दे दिया। 75 साल के बाद इस देश में एक ऐसा शख्स आया जिस देश जिसने गरीबों के बच्चों को भविष्य की एक उम्मीद दी। एक रिक्शे वाले का बेटा, मजदूर का बेटा, किसान का बेटा, जिसे कोई उम्मीद ही नहीं बची थी कि मेरे बच्चे बड़े होकर कुछ बन सकते हैं, आज उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के मनीष सिसोदिया ने उनको उम्मीद दी है। ऐसे मनीष सिसोदिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल जेल में रखा। मनीष सिसोदिया की जिंदगी उसकी अपनी जिंदगी नहीं है, मनीष सिसोदिया की जिंदगी देश की जिंदगी है। मनीष सिसोदिया का एक एक जिंदगी का पल इस देश का पल है। ये 2 साल मनीष सिसोदिया के खराब नहीं हुए, ये 2 साल इस देश के खराब हुए हैं। अगर आज मनीष सिसोदिया जेल के बाहर होता, न जाने कितने और नए स्कूल बनते, न जाने कितने बच्चों को शिक्षा मिलती। तो मैं मोहन भागवत जी से भी पूछना चाहता हूं कि क्या आरएसएस इस किस्म की हरकतों से सहमत है? ये सारे प्रश्न आज मैंने मोहन भागवत जी के सामने रखे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इन प्रश्नों के जवाब देंगे। और ये प्रश्न केवल मोहन भागवत जी के लिए नहीं है, इस देश से प्यार करने वाले हर शख्स, इस देश के हर देशभक्त को, भारत माता की पूजा करने वाले भारत माता के हर सपूत को मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस पे चिंतन जरूर करना। आरएसएस के हर व्यक्ति से मैं कहना चाहता हूं, आपको हो सकता है केजरीवाल पसंद ना हो, आपको हो सकता है आम आदमी पार्टी पसंद ना हो, लेकिन देश की खातिर इन मेरे उठाए गए मुद्दों पे
चिंतन जरूर करना दोस्तों। आज आप लोगों के बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और आज यहां जंतर मंतर पे पुराने दिन याद आ गए। मेरे को आज भी याद है, तारीख भी याद है, 4 अप्रैल 2011 का दिन था जब आजाद भारत का भ्रष्टाचार विरोधी सबसे बड़ा आंदोलन अन्ना आंदोलन यहां जंतर मंतर से शुरू हुआ था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। 1.5-2 साल कभी जंतर मंतर, कभी मुंबई, कभी रामलीला मैदान, लेकिन उस वक्त की सरकार भी बहुत अहंकारी थी, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ जीत के दिखाओ कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे, ना गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते। पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे उन दिनों में तो ये कहते थे सारे पार्टी वाले, अरे इनकी तो जमानत जब्त होगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए। चाहे पहली बार में सरकार बन गई थी दिल्ली के अंदर हमारी 49 दिन की सरकार, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे हम। हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे। देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि यह भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है ये देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथ भ्रष्ट ना हो,
मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से ये सब ना करने के लिए बोला? मोहन भागवत जी बताएं कि क्या आपने मोदी जी को ये सब गलत हरकतें करने से रोका कभी? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को, क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवां प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा, इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा, तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है।